विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से केंद्रीय विश्वविद्यालय में 50% कैपेसिटी के साथ ऑफलाइन कक्षाएं के आरंभ करने के आदेश जारी किए थे, जिसके बाद मंगलवार को स्नातक और स्नातकोत्तर की कक्षाएं आरंभ कर दी गई। मंगलवार सुबह के समय बारिश होने के चलते हालांकि स्टूडेंट्स की संख्या कम थी, लेकिन आने वाले दिनों में निर्धारित क्षमता अनुरूप स्टूडेंट्स की संख्या में इजाफा होने की संभावना है। कोविड के बीच केंद्रीय विश्वविद्यालय में ऑफलाइन कक्षाएं आरंभ करने के लिए प्रशासन की ओर से कोविड के बचाव के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। स्टूडेंट्स का गेट पर टेम्परेचर चेक किया जा रहा है और हर स्टूडेंट्स का नाम व पता भी दर्ज किया जा रहा है। इसके अलावा बिना मास्क किसी को भी केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। स्टूडेंट्स का कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस में सिग्नल व स्मार्टफोन की समस्या पेश आती थी। कई बार शिक्षक की आवाज उन्हें सुनाई नहीं देती थी, तो कई बार वे कुछ बोलते थे तो शिक्षक सुन नहीं पाते थे। ऐसे में स्टूडेंट्स सहित छात्र संगठनों की ओर से ऑफलाइन क्लासेस की मांग की गई थी, जिसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मान लिया था और इसे 21 सितंबर से 50% कैपेसिटी के साथ खुलने के आदेश दिए थे। हालांकि स्टूडेंट्स में कक्षाएं आरंभ होने को लेकर उत्साह था, लेकिन व्यवस्थाओं के अनुरूप ही क्षमता के हिसाब से स्टूडेंट्स क्लास लगा पाएंगे। एक साल के बाद ही आरंभ हुई हैं क्लासेस और ऑफलाइन एग्जाम्स तो हमारे हुए थे, लेकिन उसके बाद एग्जाम्स के बाद क्लासेस लगने का थोड़ा अंदाजा था, लेकिन अभी जाके शुरू हुई हैं। ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, कैसी दिक्कतें जो है फेस आ रही थी स्टूडेंट्स? नहीं, ऑनलाइन क्लासेस के लिए तो शुरुआत से ही, जैसे हम मीडिया से भी बात करते आ रहे हैं, हम खुद मीडिया स्टूडेंट्स हैं, तो ऑनलाइन तरीके से अगर हम पढ़ते हैं तो काफ़ी रूरल एरियाज होते हैं, जैसे गांव में कोई बच्चे रहते हैं, किन्हीं के पास स्मार्टफोन की सुविधा नहीं होती है। आजकल बेशक सबके पास हों, लेकिन कुछ कुछ ऐसे बच्चे हैं जो स्मार्टफोन नहीं यूज़ कर सकते, और टीचरों को भी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि ऑनलाइन इतना आम नहीं है हमारे लिए पढ़ाई करना। तो ऑनलाइन दिक्कतें नेटवर्क की वजह से और काफ़ी एक तरह से क्रेडिबिलिटी पढ़ाई की ख़त्म हो जाती है ऑनलाइन तरीके से। तो जिस तरह से सेंट्रल यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है आज से ऑफलाइन का क्लासेस शुरू करने का जो है डिसीजन लिया था, आपके लिए कोई शेड्यूल जारी किया गया था? क्योंकि कुछ एक स्टूडेंट्स का कहना है कि शेड्यूल प्रॉपर नहीं दिया गया था। जी, शेड्यूल तो अभी आ चुका है हमारा, लेकिन जो हमारे HOD हैं, हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, उनसे एक बार साइन होने हैं। तो शेड्यूल जैसे आज साइन हो जाता है, तो कल से हमारे रेगुलर बेसिस पे टाइम टू टाइम क्लासेस लग जाएंगी सभी ईयर्स की। 50% कैपेसिटी के साथ जो है क्लासेस लग रही है, तो कितने आपकी क्लास की बात करें तो कितने स्टूडेंट्स हैं और कितने आज आए हुए हैं? जी, मेरी क्लास की बात करें तो मैं अकेली ही आई हूँ आज, तो हमारी क्लास में ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, 10 बच्चे हैं, उसमें से आज अकेली मैं आई हूँ और मेरे जूनियर्स बैठे हैं मेरे साथ सभी, तो उनकी क्लास में 20 से 25 बच्चे होंगे, तो उनमें से सिर्फ 10 बच्चे ही आए हैं, तो 50% ऑक्यूपेंसी के साथ ही आए हैं सारे। कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना सुनिश्चित हो, इसके लिए किस तरह के बंदोबस्त जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से? जी, यूनिवर्सिटी के तरफ से तो आज मुझे नहीं दिखी गेट पे, जिस तरह हम एग्ज़ाम देने आते थे उस टाइम पे गेट पर ही वो टेम्परेचर मशीन उन्हें रखी होती थी और सैनिटाइज़र हम सबको लाइन बाय लाइन एंट्री देते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं दिखा। आशा करते हैं कि कल से अगर रेगुलर बेसिस पे बच्चे आते हैं तो वैसा सब सुविधा वो प्रदान करें पहले की तरह ही। थैंक यू।